थाना गोविंद नगर इलाके की कच्ची सड़क से किन्नर मुन्ना भाई के घर से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। किन्नर मुन्ना भाई का चेला किन्नर पूजा भाई ही निकला शातिर चोर। आरोपी पूजा भाई किन्नर को पुलिस ने शास्तीपुरम पुरानी दिल्ली से किया गिरफ्तार। साथ ही 11,18,000 रुपए नगद और 29 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण किए बरामद। आपको बता दें कि थाना गोविंद नगर इलाके की कच्ची सड़क से मुन्ना भाई किन्नर के घर से उसी का चेला पूजा भाई किन्नर ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया था। घटना 18 मई की है, जिस रात पीड़ित के साथ उसके साथियों ने थाना गोविंद नगर के बाहर धरना भी दिया था। वहीं घटना की तहरीर मुन्ना भाई किन्नर ने थाना गोविंद नगर में दर्ज कराई। पीड़ित मुन्ना भाई किन्नर पुलिस पर आरोप भी लगाया था कि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही। आरोपी पूजा भाई किन्नर का फोन चालू था, उसे गिरफ्तार भी नहीं कर रही थी। मामला बढ़ता हुआ देख पुलिस ने एक दिन बाद FIR दर्ज की तथा घटना को संदेह के घेरे में मान रही थी। पुलिस ने आरोपी पूजा भाई किन्नर की सर्विलेंस के जरिए लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि पूजा भाई किन्नर दिल्ली के शास्तीपुरम थाना उस्मानपुर पुरानी दिल्ली में मौजूद है। मथुरा पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई और पूजा भाई किन्नर को शास्तीपुरम पुरानी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 11,18,000 रुपए नगद और 29 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। चोरी कुल 35 लाख रुपए की थी। 35 लाख रुपए के माल को चेला पूजा भाई किन्नर लेकर फरार हो गया था। वही घटना का खुलासा पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। जब घटना 18 मई की थी तो पुलिस घटना को 19 मई की क्यों बता रही है? दूसरा, जब आरोपी पूजा भाई किन्नर की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है तो पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी गोकुल रेस्टोरेंट थाना गोविंद नगर इलाके से क्यों बता रही है? पीड़ित मुन्ना भाई किन्नर की FIR तत्काल दर्ज क्यों नहीं की गई? एक दिन बाद FIR दर्ज की गई और मामला बढ़ता हुआ देखने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद दिल्ली से आरोपी किन्नर पूजा भाई की गिरफ्तारी हुई। आप थाना गोविंद नगर पे आए हुए हैं, क्या मामला है? साहब हमारा क्या नाम है, हमारे घर में से हमारी चोरी हो गई, डकैती हो गई है। किस घर में से, कहाँ रहते हैं आप? कच्ची सड़क बैरागपुरा विशाल की खिड़की पे से। क्या नाम है आपका? मुन्ना भाई किन्नर, पूर्व सभासद। पूर्व सभासद जी। कौन चोरी कर ले गए? किन्नर। किन्नर आपके साथ रहता था उसी घर में? जी, अब मेरे साथ ही रहता है, मेरे घर में रहता है। कब से रहता था? करीब करीब 4-5 महीने से रह रहा है। 4-5 महीने से रह रहा था जी। क्या क्या ले गया है? जेवर ले गया सारा, कैश ले गया सारा। कैश कितना था? कैश होगा 24-25 पेटी। 24-25 लाख? लाख। और जेवर कितना होगा? होगा 2-3 किलो, वो भी मेरा अकेले का नहीं था, हम सबका था, सारे किन्नर। आप सब कितने लोग हो करीब? हम तो ये सब हैं 15-20 हैं। 15-16 लोग हैं, 15-20 हैं। तो क्या जेवर ले गई है? सर जेवर में 10 तोले की जंजीर भी है, 350 ग्राम का वो है सीतारामी है, पाँव की सोने की तोड़िया भी हैं और बिछुआ भी हैं और अंगूठी हैं, टॉक्से हैं, झाले हैं, कंगन है। करीब कितना 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 गोल्ड होगा? 2.5-3 किलो गोल्ड। 2.5-3 किलो है जी, जी। सोना 2.5-3 किलो जी जी। चांदी थी उसमें? हाँ चांदी भी थी। चांदी भी थी? चांदी की एक जोड़ी तोड़िया ले गया 350-300 ग्राम। अच्छा, 350-350 ग्राम चांदी और 2.5-3 किलो गोल्ड ले गया है। आप इतना गोल्ड घर में क्यों रखे थे? साहब हम लोगों का किन्नर है, हम लोग कहाँ रखे हैं? हमारे तो बैंक में लॉकर है, उसमें रखना चाहिए। हमारा कोई लॉकर नहीं है साहब, हमारा कोई एक ही जगह का थोड़ी ना, सबका था, सबका एक ही जगह रखा था। ना भाई किन्नर, पूर्व सभासद। क्या मामला है पूरा? साहब हमारे घर में से ये हमारे मेहमान था, इसने हमारे घर में से चोरी करी, मतलब ताला खोल के सारा माल ले कर फरार हो गया। ये तो इस पुलिस की बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी बहुत बड़ी वो है इंसानियत थी, उन्होंने 12-13 घंटे में सारा खुलासा भी कर लिया और चोरी का भेद भी खोल दिया। जैसा कि सुनने में आ रहा था पहले शुरुआत में आपकी FIR नहीं दर्ज की जा रही थी। FIR दर्ज नहीं की जा रही, मगर बाद में जो सारे विचारों ने खूब अच्छी सुनवाई करी है, दिल्ली तक गए हैं, दिल्ली से इनको पकड़ के लाए हैं और बेचारे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने रुपए का आपका माल हुआ? माल तो बतेरा था, 25 लाख रुपए थे हमारे कैश, 25 लाख रुपए हमारे कैश थे और समथिंग 2.5 किलो सोना था, जो कि पूरे मथुरा जिले के किन्नर हैं, कोसी या चाहता ये वगैरह सभी का हमारे ये गुरु हेड हैं, इनके पास वो सब चीज रखी हुई थी, इनके अकेले की नहीं है। तो कितना सोना कितना था? 2.5 किलो था। तो अभी कितना बरामद किया है? 600 ग्राम 700 ग्राम चांदी, 600 ग्राम सोना है। 600 ग्राम क्या मतलब? तो तुम्हारा कहना क्या, पूरा माल अभी बरामद नहीं दिखाया पुलिस? नहीं, कुछ नहीं, पुलिस की कोई कमी नहीं है, पुलिस ने तो बहुत अच्छा करा है बेचारों ने। पुलिस क्या था, पुलिस ने तो हमारे संग इतनी रात को लगी डोली है, वो तो हमारे ऐसे साहब का पैर भी बच के नाले में कूद पड़े होते हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ कोशिश करी है, बहुत माल निकलवाया है,
तो क्या इससे पूछताछ नहीं की गई है? की है, खूब की है, पूछताछ भी की है, बरामद नहीं करा पाए, मगर उन सालों ने बरामद किया ही नहीं है। पुलिस वालों ने तो बहुत अच्छा किया है। 2 किलो सोना मिसिंग है हमारा। और क्या नाम है? सोनब, मैं इनकी चेला हूँ। ठीक है, अब सारा सामान उसका आपस दे दिया बस। तब की थी चोरी आपने? तब की थी। कई दिन पहले करी थी? दो दिन पहले। तो कहाँ से गिरफ्तार किया है पुलिस ने? वही तो। कहाँ से बता? दिल्ली से। और भी सामान था? यही था। नहीं, जो सामान में अपना सामान दे। आरोप तेरे ऊपर था कि 2.5 करोड़ रुपए की जेवरात लेके गई हो? नहीं, ये तो झूठी बात है। मैं जितना सामान ले गया, नहीं मैं कुछ सफाई करा ना कुछ करा, जैसे ले गया वैसे मैं दे दिया। क्यों लेकर गए थे? हाँ, अकेले भी थे? मेरे साथ और भी थी, तो वो तो काम पे चला गया था। मेरे साथ रहते और एक किन्नर, 2 किन्नर रहते मेरे साथ। उन्हें नहीं पकड़ा और उन चोरी क्यों की थी? हाँ, वो कहाँ गए? वो लोग पकड़े कि नहीं? चोरी क्यों की थी? आप क्या करो, तुम्हारे दिल में समझ में आए क्या? कहाँ के रहने वाली? मैं कलकत्ता की रहने वाली। कलकत्ता भाग रही होगी? कलकत्ता की रहने वाली होगा। यार भाई, हो रही है तो भाई का मजे ले रहे हैं यार। जी सर, गोविंद नगर को क्या संबंध है? गोविंद नगर पुलिस को थाना गोविंद नगर पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। 20/5/2019 को किन्नर के घर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। उसी के साथी ने चोरी किया था, उसी के चेले ने चोरी किया था, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। और उससे 11,18,000 रुपये नगद और लगभग 34 लाख रुपये का सोना चांदी जो चोरी करके ले गया था वो बरामद हुआ है। इनको जेल भेजा जा रहा है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, पीड़ित पहले कह रहा था कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, सर क्या वजह रही? उसी दिन जिस दिन इनके साथ घटना हुई थी उसी दिन जो है मुकदमा दर्ज किया गया था, और आप रिजल्ट देख रहे हैं, तत्काल गिरफ्तारी भी की गई है कुछ ही समय में और बरामदगी की गई है। क्या पूरा माल बरामद कर लिया गया सर? इसके पास जो भी माल था, जितना ही ले गया था, उतना सारा का सारा माल बरामद हुआ है। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। अवैध संबंध के चलते पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। जनपद जालौन की बड़ी खबर, उरई के मोहल्ला उमरार खेरा में एक संगीन मामला सामने आया। पति ने की गला काट के हत्या। जालौन के उरई मोहल्ला उमरार खेरा में चाकू से गला काटकर अपनी ही पत्नी की हत्या, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के चलते ससुराल वालों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। जनपद जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला। इस संबंध में मृतका पूनम की मां ने बताया कि उसने अपनी बेटी पूनम का विवाह 4 वर्ष पूर्व जितेंद्र अहिरवार पुत्र कृष्ण प्रसाद निवासी पिछोरा जिला हमीरपुर के साथ किया था। विवाह के कुछ समय बाद ही जितेंद्र ने पूनम के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। इसी के चलते कई बार समझाने के बाद भी जितेंद्र की मारपीट करने की आदत से तंग आकर पूनम अपने मायके उरई आकर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी थी। मृतका की माँ के मुताबिक 3 दिन पहले ही जितेंद्र उरई अपने ससुराल आया था, जिसे सुबह करीब 6 बजे अचानक से पूनम के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन उस ओर भागे तो देखा कि कमरे में जितेंद्र चाकू से पूनम पर बार बार हमला कर रहा था। वहीं काफी कोशिशों के बाद जब पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खोला गया, तब तक जितेंद्र उसकी हत्या कर चुका था। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे पति को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या हुआ? सर, मेरी बच्ची की 4 साल से शादी हुई। कहाँ पे? इछोरा गाँव में। इछोरा गाँव? तो मेरी लड़की को अच्छे से नहीं, इसने शादी है की 1-2 महीना पहले से ड्रामा चालू किया, मारपीट उसके पति ने। मैं हर बार आता था कि फुसला फूट के ले जाता था, 1 महीना रख के दूसरे महीना वहाँ मारपीट कर बंद करके, तो हम लोग ले आते थे पापा। यहाँ रखा 2-1 महीना नहीं रहन देता सर, यहाँ भी आ जाता। हम लोग ने इतना भगाया कि अपने घर जाओ। एक बार इसी ने मारपीट करी, 3 महीना की बच्ची थी पेट में। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि कल अच्छे से रहा, मेरी बहन का दामाद आया तो उसको एक थप्पड़ मार दी कि तुझे, उसने झूठ बोल दी कि तेरे सारे ने तुझे गाली दी, मार पूछा था कि मैं इसी चीज में सर मार दिया। तीसरे दिन ऐसे नहीं भाग रहा था, हम लोगों ने बहुत भगाया, मैं यही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा।
मेरा तलाक कर दो। तो हम लोगों ने कही अपने बाप भैया को लेके आओ, कह रहे मेरे बाप भैया नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने कही हमारा पति कल का ड्यूटी पे आ जान दो पापा के, रात के सुबह हम बुला के सबके फाइनल। फिर यह हुआ की लड़की से कहने लगा कल मैं कानपुर जा रहा हूँ, मेरे कपड़े धुल दे। दिन भर कल धुलती रही सर, शाम के दोनों पति पत्नी ने खाना खाया ऊपर बैठ गए। कहने लगा पूनम मैं सुबह चला जाऊंगा, आज मेरे मुझे रुक लें दे, आज मैं यही रुकूंगा सर। पति पत्नी का प्यार है, शाम नहीं जाना थी ना वो जाना थी कि हम खून कर दे। सुबह दो जने आते सर, अब सुबह सुबह 6 बजे मैं बाहर द्वारो दो रही थी, चीख की आवाज आई, मैं तुरंत भागी। मैंने कुमारन में हाथ मारे सर, उंगली फूट गई, कुमारनी टूटी पड़ोसी द्वार पर, सबने कोले कोले गड़गड़ाते रही, बचा मम्मी के मानी को ले गया से बचा जा पूरी कांडा सर। जब उसने भी नहीं कुंडी कोली, लड़की ने एकदम बड़बड़ा के कुंडी खोल के गले ले बैठ गई सर, दावे टूट गए। सुबह 5:30 एक सूचना मिली है कि इमरार खेड़ा मोहल्ले में महिला की हत्या हुई। वहाँ मौके पर जाने पता लगा कि उस महिला की हत्या उसके पति के द्वारा एक धारदार चाकू से की गई। युवक की अभी गिरफ्तारी हुई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग में रिश्वत लेने का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि ताजा मामला शाहजहांपुर की तहसील कलान का है, जहां पर फार्मासिस्ट जगजीवन लाल जी जीवन बचाने के लिए कुत्ते के काटने के इंजेक्शन पर एक व्यक्ति से 20 से 50 रुपए पर इंजेक्शन ले रहे हैं, जो कि आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह कलान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक फार्मासिस्ट के द्वारा कुत्ते काटे गए इंजेक्शन के 20 से लेकर 50 रुपए ले रहा है। जब इस संबंध में शिकायतकर्ताओं ने जब इस बात पर EMO IC हरेंद्र सिंह से शिकायत की, उन्होंने उल्टा यह जवाब दिया कि हम अस्पताल में बैठकर रखवाली करें क्या। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।